हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं विंटर की एक बहुत ही अच्छी और यूनिक सी होम रेमेडी। ये बहुत ही इजी है, अगर आप इसको एक बार यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में ये वर्क करती है। और आप देखेंगे रात में आप इसको यूज़ करके अगर सोते हैं तो सुबह मॉर्निंग में देखेंगे कि आप अपने फेस को टच करते हैं तो आपको खुद फील होगा कि ये रेमेडी से आपकी स्किन कितनी स्मूथ और कितनी ग्लो कर रही है। तो आइए देखते हैं कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी इस रेमेडी को बताने के लिए या फिर इसको यूज़ करने के लिए, और किस प्रोसेस से इसको यूज़ करना है वो भी हम देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये सारी प्रोसेस हमें कैसे कंटिन्यू करनी है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसके लिए जॉनसन बेबी का ऑयल, ये देख सकते हैं आप। इसकी जगह आप विटामिन ई का कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बेझिझक इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी वही वर्क करता है जो विटामिन ई का कैप्सूल करता है, क्योंकि इसमें भी विटामिन ई होता है। आप देख सकते हैं विटामिन ई इज प्रेजेंट इन देयर। ओके, सेकेंड इज ग्लिसरीन, जो कि आपको बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। थर्ड हनी, ये भी सर्दियों में सबके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, आप देख सकते हैं हनी। और फोर्थ इज गुलाब जल, ये भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमें क्या करना है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे फेस पर ये मेकअप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको मुझे रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे चाहिए होगा सबसे पहले एक कॉटन बॉल। कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं आप, और या फिर आपके पास कोई चावल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कॉटन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपका मेकअप बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव होगा। आप टू ड्रॉप इस कॉटन बॉल पर डालेंगे। देखिए, मैंने टू ड्रॉप इस पर ऐड किया, और अपनी स्किन पर ऐसे टैप टैप करना है आपको। देखिए, हर जगह टैप टैप करना है। देखिए, इस प्रोसेस से करना है आपको, और ये सर्कुलर मोशन में आपको ऐसे इसको रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फेस का और अपने आईज का पूरा मेकअप रिमूव कर दिया। ठीक है ना, अब मुझे लिपस्टिक रिमूव करना है, तो मैं ये जो स्किन इससे मैंने साफ किया इसको यूज़ नहीं करूँगी, आप देख सकते हैं इसको कवर से। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरी कॉटन बॉल को यूज़ करूँगी, उस पर भी मुझे दो ड्रॉप डालने हैं। ना पुट ऑन माई लिप, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये रिमूव हो गई। नाउ थर्ड प्रोसेस इज, मैंने एक ये कॉटन का हैंकी लिया है, आप चाहे तो कॉटन की टॉवल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए बट वो। तो उससे मैं अपनी स्किन पे जो बाकी बचा हुआ था उसको साफ करूँगी अच्छे से। देखिए, यू कैन शो, आप देख सकते हैं कि मेरा मेकअप पूरी तरह रिमूव हो चुका है। देखिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप मुझे क्या करना है देखिए, आप देखिए ना। अब मैंने गुलाब जल को लिया और इसकी दो ड्रॉप ली हैं कॉटन बॉल पे, और इसको भी पूरी स्किन पे सर्कुलर मोशन में लगाना है। बस आपको फेस के लिए इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अच्छे से साफ करें अपनी स्किन को गुलाब जल से। इसके बाद आपको फेस वॉश नहीं करना है और ना ही फेस को पोंछना है, ऐसे इसको ऐसे ही छोड़ दूँ। देखिए, हो गया ये, देखिए अच्छे से। हम अपने लिप्स के लिए ये दोनों चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं, पहला है हनी और सेकंड इज ग्लिसरीन। दोनों को क्या करना है आइए हम बताते हैं। पूछ रहे हैं सुबह की 6, जैसे कि मैंने बताया था रेमेडी पूरी रात मैंने अपने स्किन पर लगा के छोड़ दिया था। अब सुबह उठी हूँ, इसके उठने के बाद मैंने अपने फेस को वॉश भी नहीं किया है, आप देख सकते हैं, और ना ही कुछ यूज़ किया है। जैसे मैं रात में सोई थी बस ऐसे सुबह उठी हूँ, और देख सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ कितना सॉफ्ट फील हो रहा है मुझे स्किन पे। इट्स रियली 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 वर्क। देखिए, आप देख सकते हैं पास से मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। देखिए लिप्स, देखिए
हाँ मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, देखिए आप देख सकते हैं, कुछ भी मैंने अपने लिप्स पे यूज़ नहीं किया है, ठीक है। देखिए फिर भी मेरे लिप्स और मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि विंटर में आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और चमकदार रहे, तो प्लीज़ इसके लिए इस रेमेडी को ज़रूर ज़रूर यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात कि ये रेमेडी, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सबसे अच्छा पॉइंट ये है इस रेमेडी का। तो प्लीज़ इस रेमेडी को यूज़ करें अगर आपको अच्छी लगी हो, और ऐसे ही आगे आप ऐसी ही टिप्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर चाहते हैं कि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो प्लीज़ इसके लिए हमारे चैनल के नीचे जो नोटिफिकेशन आइकन दे रखा है बेल वाला, उसको प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लॉट्स ऑफ लव।